नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो में बात करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत परीक्षा फॉर्म भरने में इतना लेट क्यों हो रहा है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट इस बार एडमिशन लिए हैं बीए बीकॉम बीएससी में, उस सभी स्टूडेंट का परीक्षा फॉर्म भरने में लेट हो, मतलब अभी तक देर नहीं निकाला गया कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाए। क्योंकि देखिए, दिसंबर महीना हमें एग्जाम लेना है लेकिन अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है, तो कब से भरा जाएगा इस पर भी बात करेंगे। देखिए, परीक्षा फॉर्म इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि बहुत सारा कॉलेज में अभी CIA एग्जाम चल ही रहा है, तो बहुत सारे कॉलेज में अभी CIA एग्जाम नहीं हुआ है। और जिस भी स्टूडेंट का अगर CIA एग्जाम नहीं दिए हो, वो अपना कॉलेज से अभी भी एक मौका है, जाके अपना CIA टेस्ट एग्जाम दे दीजिए। और असाइनमेंट कॉपी, किसी किसी कॉलेज में असाइनमेंट कॉपी जमा लेता है या किसी कॉलेज में सेमिनार होता है, यानी सेमिनार नहीं, पूछता है सर, क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप उसका जवाब देना है। किसी किसी जैसे कि DS कॉलेज में भी जितना भी मतलब ऑनर्स पेपर का है सभी का सेमिनार हो रहा है DS कॉलेज में। केविझा कॉलेज का बात करें तो केविझा कॉलेज में देखिए असाइनमेंट कॉपी जमा लिया गया है। जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट कॉपी अभी तक नहीं दिए हो तो जाइए असाइनमेंट कॉपी अपना सर से मिलकर जाके दे दीजिए। जो भी ऑनर्स पेपर का हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर का सर से जाके मिलिए, हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर हो तो हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर सर से जाके मिलिए, के अपना असाइन कॉपी जमा कर दिया। अगर आपका एग्जाम भी छूट गया है CIA टेस्ट तो आप एग्जाम दीजिए। अगर आप CIA टेस्ट एग्जाम नहीं देते तो आपको एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप CIA एग्जाम टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप जाइए अपना कॉलेज से संपर्क कीजिए। आखिरी मौका है सभी स्टूडेंट को CIA टेस्ट एग्जाम देने का, इसलिए जो स्टूडेंट नहीं दिए हो जाके दे दो। देखिए, परीक्षा फॉर्म भरने में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉलेज में अभी असाइनमेंट कॉपी का नंबर अभी नहीं दिया गया है। असाइनमेंट कॉपी का नंबर अभी चेक हो रहा है, यानी असाइनमेंट कॉपी जो जो स्टूडेंट जमा किया है उस सभी स्टूडेंट का असाइनमेंट कॉपी अभी चेक हो रहा है। अभी उस सभी का मतलब नंबर, जब तक इंस्टीट्यूट द्वारा नंबर अपडेट नहीं कर दिया जाता है CIA टेस्ट का, जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिया हो CIA टेस्ट में, उस सभी स्टूडेंट का नंबर अभी तक अपडेट नहीं किया गया। जब तक अपडेट किया नहीं जाएगा तब तक परीक्षा फॉर्म नहीं आएगा। देखिए, परीक्षा फॉर्म जिस उसका आएगा जो वो भर सकता है, जो CIA टेस्ट एग्जाम दिया है, और जो नहीं दिया है उसको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। इसलिए आखिरी मौका है, जाइएगा अपना जो भी इंस्टीट्यूट यानी जो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज से सर से जाके मिलके CIA टेस्ट एग्जाम उसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो आपका CIA टेस्ट एग्जाम ले लेगा। क्योंकि देखिए केविझा कॉलेज का सर अभी भी एग्जाम ले रहा है जो भी स्टूडेंट का छूटा हुआ है। DS में अभी सेमिनार चल रहा है, जो भी स्टूडेंट सेमिनार में मतलब पूछताछ हो रहा है, यानी सर क्वेश्चन पूछेगा आपको जवाब देना है, सेमिनार चल रहा है, जाके DS कॉलेज जो स्टूडेंट DS कॉलेज का हो वो स्टूडेंट जाके सेमिनार भी दे दीजिए। नहीं तो आपका अगर नंबर नहीं आया CIA टेस्ट में तो आपको फेल दिया जाएगा, आपको एक साल बर्बाद हो जाएगा। एक साल से बर्बाद करने से अच्छा है आप CIA टेस्ट एग्जाम दीजिए, और सेमिनार हो रहा है जिस भी कॉलेज में जाके सेमिनार दीजिए, और जिस भी असाइनमेंट कॉपी जमा हो रहा था असाइनमेंट कॉपी दीजिए। अभी परीक्षा फॉर्म नहीं आएगा, जब परीक्षा फॉर्म आएगा मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, और परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है यह भी बताऊंगा आपको इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों पर यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, जल्दी से चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से मेरे चैनल पर बहुत जल्दी 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मिलजुल के मेरे चैनल को जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक रहता है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।